अब यूट्यूब मैनोमीटर, जो सिंपल मैनोमीटर था उसका जो दूसरा पार्ट है यूट्यूब मैनोमीटर, उसको हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे अगर हम साथ में कंपैरिजन भी करते जाएं, आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने एक पीजोमीटर का डायग्राम बनाया था, जिसमें यहाँ पे हमारा क्या था, लिक्विड था, और ड्यू टू प्रेशर ये क्या हो जा रहा था, हमारा राइज हो जा रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, ड्यू टू प्रेशर, अगर पॉइंट ए पे अगर हम डिस्कस करें तो ड्यू टू प्रेशर ए, यानी अगर ये वेसल है, वेसल में प्रेशर रखा, फ्लूड रखा हुआ है, और फ्लूड में कोई प्रेशर लग रहा है, या एक पर्टिकुलर प्रेशर पे कंप्रेस करके अगर इस लिक्विड को रखा गया है, तो जैसे ही पीजोमीटर को ऐड कर रहे थे तो वाटर क्या हो रहा था, यहाँ पे राइज हो जा रहा था। और क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेसल था, यहाँ पे हमारा रीडिंग रखा हुआ था, तो जितना ये हाइट राइज हो रहा था अप टू एटमोस्फेयरिक एयर के कॉन्टेक्ट में, और मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, यहाँ तक वो राइज हो रहा था, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर ए जो है वो हम निकाल ले रहे थे। कैसे? हाइट पता हो जाएगा क्योंकि रीडिंग रखा हुआ है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट, और वही सेम जगह यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ 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 हमने डिस्कस किया था, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा, जो भी एच होगा। इस केस में देखिए क्या डिफरेंस है यूट्यूब मैनोमीटर में, कि यहाँ पे एक ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक मैनोमेट्रिक फ्लूड होता है, जी जनरली ये मरकरी होता है, इसका यूज किया जाता है प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। तो ये जो है और वो है, दोनों में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। डिफरेंस क्या है कि ये इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसे यू यू के शेप में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूट्यूब। और जो दूसरा जो डिफरेंस है कि इसमें जिस लिक्विड का प्रेशर मेजरमेंट कर रहे हैं उसी का राइज हो रहा था, मतलब उसी फ्लूड का यूज़ किया जा रहा था प्रेशर मेजरमेंट में, जबकि यहाँ पे ये जो अलग से एक मैनोमेट्रिक फ्लूड है इसका यूज किया जाएगा प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। अब ऐसा क्यों कर रहे थे, तो जब अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे अगर हम पिजोमेट्री का, तो हम हाई प्रेशर के लिए यूज नहीं कर सकते, तो क्योंकि वाटर का जो प्रेशर हेड होगा फॉर द सेम प्रेशर ज़्यादा हाई होगा एज़ कम्पेयर टू अगर हम मरकरी वाले फ्लूड को यूज करें। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमने भी डिस्कस किया था कि सपोज करो अगर सेम प्रेशर को मेजर करना है, तो पी अगर प्रेशर को मेजर करना है, तो अगर मैं वाटर के टर्म्स में लिखूं तो रो ऑफ वाटर जी इंटू एच ऑफ वाटर हो जाएगा, और अगर सेम प्रेशर को अगर हमें मरकरी के रिस्पेक्ट में मेजर करना है तो रो ऑफ मरकरी जी इंटू एच ऑफ मरकरी मैं लिखूंगा। अब देखो, अब अगर मैं कंपेयर करूं कि किसका हाइट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली ये जी और जी कट जाएगा, तो अगर रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ एच जी, तो एच जी डिवाइडेड बाय एच ऑफ वाटर। अब हम लोग जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है, और इसका 13,600 इंटू एच ऑफ एच जी डिवाइडेड बाई एच ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि एच ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज 13.6 टाइम ऑफ एच जी। मतलब अगर हम सेम प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए वाटर को अगर वाटर एज ए फ्लूड यूज करें, तो उसका उसके लिए जो ये जो लिंब का जो हाइट होगा वो कितना हो जाएगा, एच जी के 13.6, 13.6 टाइम्स ज़्यादा हाइट होगा। तो अगर हमारा लिमिटेड स्पेस रहेगा तो क्या पॉसिबल है, या ग्लास ट्यूब का उतना बड़ा कंस्ट्रक्शन बनाने में हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए इसका डिसएडवांटेज था कि हाई प्रेशर को ये मेजरमेंट कहीं नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा होगा, देखिए पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, जैसे जैसे प्रेशर हाई ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे ज़्यादा वाटर का ये जो हाइट है वो बढ़ते जाएगा,
और कुछ पॉइंट ऐसा आएगा कि बहुत ज़्यादा ये रूम से भी बड़ा, मान लो प्रेशर का कुछ हो गया और वो हाइट इससे भी क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में हम लोग क्या पॉसिबल है कि वाटर को एज ए फ्लूड यूज़ करके हम मेजर करें? नहीं, उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, एच जी का यूज करेंगे। अब एच जी क्या करेगा, अगर ये रूम का टोटल अगर मान लो लेंथ 13.6 मीटर है तो 1 मीटर एच जी ही सफिशियंट है, मतलब इतना हाइट हो गया एच जी का, वही वाटर लेंगे तो पूरे रूम के बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, ग्लास ट्यूब यूट्यूब का बनाना पड़ेगा, तो वो तो फिजिबल पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो यूट्यूब मैनोमीटर में हम लोग एक अलग से कोई भी मैनोमेट्रिक फ्लूड जो जनरली एच जी होता है उसको यूज करते हैं फ्लूड को मेजरमेंट करने के लिए, जिससे पहला बात तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, और दूसरा क्योंकि अब इसका ये ज़्यादा कम, मतलब कि कम हाइट पे ज़्यादा प्रेशर को दिखा देगा, क्लियर है, सेम प्रेशर है, वाटर का हाइट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एच जी, तो इस केस में मतलब हम हाई प्रेशर को क्या कर सकते हैं कि लो कंस्ट्रक्शन में भी या कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी हम दिखा सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो देखिए इसके ऊपर में हमारे जो हैं न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम पॉइंट ए है तो उसका हम लोग प्रेशर को मेजरमेंट करेंगे। अगर हम पीजोमेट्रिक वाला बात करें तो आपको तो पता ही है कि यहाँ से ये एटमोसफियर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट अगर एच है तो यहाँ से ले यहाँ का प्रेशर जो है हमारा इस पॉइंट पी का प्रेशर रो जी एच हो जाएगा, और अगर ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो अगर हम बात करें कि अगर ए जो है वो अगर इसी हॉरिजॉन्टल पे लाई कर रहा है तो जितना प्रेशर यहाँ अगर पॉइंट बी है तो बी पे होगा उतना ही प्रेशर ए पे होगा, ये हमने ऑलरेडी डेरिवेशन जो किया था याद है, या अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है तो याद रख लीजिए कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेयर रहेगा तो उसके हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर ए, प्रेशर बी, प्रेशर सी, प्रेशर डी, प्रेशर ई, सब पॉइंट पे प्रेशर जो है वो क्या होना है, सेम होना है। तो जो हमने पहले यूज किया हुआ है कौन कौन सा दो लॉ पढ़ा हुआ है, एक तो हाइड्रोस्टेटिक्स लॉ जो हमें बता पी इक्वल टू रो जी एच आया था, और दूसरा पास्कल लॉ जो बोलता था कि या वेरिएशन ऑफ प्रेशर वाला जो हमने देखा था कि सेम लेयर पे हमारा जो प्रेशर है कौन, वही दोनों कंसेप्ट का यूज होने वाला है इस यूट्यूब में, मतलब ये पूरे मेजरमेंट में वही दो कंसेप्ट का यूज होने वाला है। तो देखिए अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये जो पॉइंट ए पे है वो प्रेशर को हम कैसे मेजर करेंगे। ये एयर है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एयर है, यहाँ पे एयर है, क्लियर है। तो अब देखिए अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर कितना है, तो देखिए प्रेशर एट पॉइंट ए, अब आप खुद बताइए कि हमने एक जब वेरिएशन ऑफ प्रेशर वाला डेरिवेशन किया था तो हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा मतलब प्लस होते जाएगा, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, निगेटिव होते जाएगा। तो अब देखिए अगर पॉइंट ए यहाँ पे है और ये सेम लिक्विड जो है वो यहाँ तक भरा हुआ है, तो सेम लिक्विड है मतलब हर एक लेयर पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर एक पॉइंट पे और इवन यहाँ पर भी प्रेशर हमारा क्या होने वाला है, पी ए के बराबर ही होने वाला है। अगर वो सेम फ्लूड है, सेम फ्लूड है और अगर वो सेम लेयर है तो वहाँ पे हमारा प्रेशर क्या होने वाला है, हमेशा हमेशा क्या रहेगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा। तो पी ए का प्रेशर जितना है उतना ही प्रेशर यहाँ पे होगा, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब सपोज कर लेते हैं कि ये जो यहाँ पे जो वेसल में लिक्विड भरा हुआ है इसकी डेंसिटी जो है वो रो वन है, और ये जो मैनोमेट्रिक यूज जो कर रहे हैं इसका जो डेंसिटी है रो ऑफ एच जी हमने डिनोट कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे अगर आऊँ यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे ये फ्लूड एंड हो रहा है, तो अगर इसका हाइट एच वन है तो अब यहाँ यहाँ का प्रेशर अगर जो भी होगा तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, ये अगर पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया और ये पॉइंट ए हो गया, तो पॉइंट बी पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी ए जो प्रेशर है प्लस ये जो हाइट, और क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो निगेटिव होगा, तो यहाँ पे प्लस
अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी पॉइंट का, रो जी एच। तो यहाँ पे इस केस में रो हमारा क्या है, हमने रो वन लिख लिया है, तो रो वन हो जाएगा इंटू जी, और हाइट क्या है एच वन। तो ये हमारा पॉइंट बी पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी पे जितना लगा प्लस रो वन, क्योंकि फ्लूड का डेंसिटी क्या था, रो वन था, इंटू जी इंटू एच वन। यहाँ तक हो गया। अब देखिए प्लस अगर मैं पॉइंट सी का बात करूं तो अब क्या हो जाएगा, पॉइंट ए पे जितना लग रहा है, ए पॉइंट ए मतलब कि यहाँ पे जो प्रेशर है वही यहाँ पे है, तो पॉइंट ए प्लस रो जी एच वन, तो हमें मिल गया पॉइंट बी पे। अब अगर सी पे आना तो क्या मैं बोल सकता हूँ, पॉइंट बी पे जितना प्रेशर लग रहा है प्लस अगर मैं ये वाले हाइट को ले लूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का एच थ्री, तब C पे और क्या हो जाएगा, क्योंकि हम नीचे आ रहे हैं पॉइंट यहाँ तक, तो हमारा क्या हो जाएगा, रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच थ्री हो जाएगा। ये अगर B से हम C तक मूव करेंगे तो, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर फ्लूड का डेंसिटी है, तो यहाँ पे हमारा एच जी फ्लूड है, तो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच थ्री हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तक हम सी तक आ गए, अब अगर हमें पॉइंट डी पे जाना है, तो क्योंकि हम ऊपर जा रहे हैं, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, सी पे जितना प्रेशर है उसमें से इतना के कारण जो प्रेशर आएगा वो उसको माइनस करना पड़ेगा, तो इसका भी हाइट कितना है, सेम है, तो हमारा, और क्योंकि मैं मूव ऊपर अपवर्ड कर रहा हूँ, हमेशा याद रखिएगा मैनोमीटर के न्यूमेरिकल में सिंपल है, अगर हम डाउनवर्ड मूव डाउनवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव प्रेशर लिखेंगे, अपवर्ड मूव करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस रो ऑफ एच जी, रो ऑफ एच जी इंटू, क्योंकि हाइट तो सेम ही है, तो इंटू एच थ्री, तो हम मूव कर दिए पॉइंट डी तक। अब अगर हमें पॉइंट ई पे जाना है, तो देन अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा, रो किसका हो जाएगा, क्योंकि फ्लूड यहाँ पे क्या है, एच जी है, तो एच जी ही फ्लूड रहेगा, इंटू जी इंटू हाइट क्या है हमारा, एच टू है। अब ये सारे जो प्रेशर हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, हमें ये गेज प्रेशर बता रहे हैं। तो गेज प्रेशर, तो अगर मैं एटमोसफेयर को एज ए डेटम मानूं, तो ये सारे प्रेशर किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि एटमोसफेयरिक प्रेशर, अगर एटमोसफेयरिक एटमोसफेयर को एज ए गेज प्रेशर जीरो लिया जाता है, तो मतलब ये इस टाइप का जो भी प्रेशर है वो इक्वल टू गेज प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर, और गेज प्रेशर ऑफ एटमोसफेयर कितना होता है, जीरो होता है, तो ये इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो देखिए एक बार और इसको समझते हैं, क्योंकि अगर ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो इसी के ऊपर न्यूमेरिकल आने वाला है, और ये यूनिट यहीं पे एंड हो जाएगा। अगर आप कुछ मत पढ़ें, यूट्यूब पढ़ लें इसका कैलकुल, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लें आपका ये यूनिट, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है, क्लियर है, और हर एग्ज़ाम में भी आना है। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो हमारा ये यूनिट अगर आप इतना भी पढ़ के जाएंगे तो आप पास तो आराम से हो जाएंगे, अगर इसी को आप देख के चले जाएंगे। तो इसलिए इसको हम लोग थोड़ा टाइम देके ज़्यादा से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। याद क्या रखना है कि अगर हम YouTube का जब भी कैलकुलेशन करेंगे उसका प्रेशर का, तो जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो हमें पॉजिटिव प्रेशर लिखना है, और अगर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो नेगेटिव प्रेशर लिखना है, क्लियर है। तो अब इस, और दूसरा, अगर हम सेम फ्लूड अगर सेम लेयर पे है तो वहाँ पे हमारा प्रेशर कितना होने वाला है, सेम होने वाला है। अब वो क्या होगा, ये वाला जो लास्ट स्टेटमेंट बोला अभी हम लोग अभी देखेंगे। देखिए तो हमें क्या के निकालना था, पॉइंट ए पे प्रेशर निकालना था, तो हम क्या लिख सकते हैं कि प्रेशर एट पॉइंट ए। अब हमने क्या बात बोला अभी कि अगर हम सेम फ्लूड होगा और हॉरिजॉन्टल लेयर पे अगर हम मूव करेंगे तो हर एक पॉइंट के हॉरिजॉन्टल लेयर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। तो अगर पॉइंट ए पे जितना प्रेशर होगा वही यहाँ पे प्रेशर होगा, वही यहाँ पे प्रेशर होगा, और वही यहाँ पे भी प्रेशर होगा। यहाँ तक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पे पॉइंट जितना प्रेशर यहाँ है उतना ही प्रेशर यहाँ है,
तो यहाँ का प्रेशर पीए हो गया मान लीजिए, और इस पॉइंट को हम कुछ ए डैश मान लीजिए नाम दे लेते हैं, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट ए डैश पे भी होगा। अब अगर हमें पॉइंट बी पे निकालना है तो हम लोग न्यूमेरिकल पिछले जो यूनिट है उसमें पढ़े थे कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा प्रेशर का वैल्यू क्या हो जाता है, रो जी एच, और क्योंकि नीचे जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, और यही ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉइंट बी पे कितना हो जाएगा, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस रो वन इंटू जी इंटू एच वन। रो वन क्या है, ये वो पर्टिकुलर फ्लूड ये जो वेसल में भरा हुआ है उसका डेंसिटी है, तो क्योंकि वो यहाँ तक है तो ये किसका प्रेशर को मेजरमेंट कर रहे हैं, हम रो वन का ही ये हाइट बता रहा है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, रो वन जी इंटू एच वन। तो इस तरीके से ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये हमें प्रेशर बी तक का दिखा दिया कि बी तक कितना प्रेशर है। अब अगर हमें सी पे निकालना है तो सी पे भी क्या हो जाएगा, इतना ऐड हो जाएगा। अब ये क्योंकि नीचे जा रहा है इसलिए ऐड होगा, और यहाँ पे हमारा फ्लूड क्या हो गया है, अब रो ऑफ एच जी हो गया है, तो प्लस रो ऑफ एच जी इंटू जी, और हाइट क्या है, एच थ्री है, तो इंटू एच थ्री। सी तक क्लियर है। अब सी से डी मूव करना है, अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो अपवर्ड तुरंत माइनस साइन लगाइए, कौन सा फ्लूड, एच जी, तो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू कितना हाइट, एच थ्री। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट तो ये भी हाइट इक्वल ही है तो माइनस एच थ्री, ये भी हो गया, तो पॉइंट डी तक का निकल गया। अब उसके बाद मान लीजिए पॉइंट ई तक आना है तो फिर अगेन क्या करेंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस कौन सा फ्लूड, एच जी वाला, तो रो ऑफ एच जी इंटू जी कितना हाइट इंटू एच टू। अब ये सारे प्रेशर किसके बराबर होने वाले हैं, यहाँ पे जो प्रेशर है और यहाँ पे प्रेशर कौन सा प्रेशर है, पी एटमोस्फेरिक प्रेशर है, और पी एटमोस्फेरिक प्रेशर है तो पी एटमोस्फेरिक की वैल्यू कितना होती है इन टर्म्स ऑफ गेज, जीरो होता है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर को ही डेटम लिया जाता है, और जो डेटम होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो जाएगा, डेटम पे कोई भी वैल्यू जीरो होती है तो इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें पी प्रेशर एट ए की वैल्यू हमें मिल जाएगा रो ऑफ एच जी जी इंटू एच टू, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस रो वन जी एच वन, ये हमें मिलने वाला है। अब देखिए रो हमेशा क्या रहेगा हमारा, ऑब्वियसली रो की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे अगर लिक्विड भरा हुआ है तो वो ज़्यादा होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव प्रेशर आएगा, तो इसलिए ये पॉजिटिव प्रेशर को हम गेज प्रेशर भी बोलते हैं, और जब नेगेटिव आएगा तो वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा आया पी की वैल्यू, पी ए का वैल्यू जो है वो इतना आएगा। अगर हमें रो ऑफ एच जी जो कि पता रहता है 13600 रहेगा, जी तो पता है, अगर ये हाइट हमें दे दिया जाए, और अगर ये यूट्यूब है तो इसमें ओबियसली नेमिंग रहता है तो ये हाइट निकल जाएगा, ये भी हाइट निकल जाएगा, और रोवन जो फ्लूड का है वो हमें डेंसिटी पता होगा, तो हम पॉइंट ए पे प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। क्लियर है ये, तो यहाँ तक आपको होप क्लियर हो गया होगा। यहीं पर एक और मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूँ, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना यहाँ से पॉइंट बी से सी मूव किए तो इतना प्रेशर हुआ, सी से डी मूव किए तो इतना प्रेशर माइनस हो गया। अगर मैं इस स्टेप को अवॉइड करूँ और मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूँ तो आप बताइए, अभी मैंने क्या बताया था, यहाँ पे ये लेयर कौन सा है, एच जी का लेयर है, यहाँ जैसे ही कॉन्टेक्ट हो रहा है अगर मैं यहाँ को बात करूँ तो यहाँ तक हमारा एच जी है, और यहाँ भी हमारा क्या है, एच जी है, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होने वाला है। बोलिए कैसे, क्योंकि दो सेम फ्लूड अगर सेम हॉरिजॉन्टल पे रहेंगे तो दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होता है वो क्या होने वाला है, इक्वल होता है। ये वाला पॉइंट पे भी हमारा क्या है, एच जी है, और ये वाले पॉइंट पे भी हमारा लिक्विड क्या है, एच जी है, और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे बह रहे हैं तो जितना प्रेशर बी पे होगा उतना ही प्रेशर कहाँ पे होगा, डी पे होगा। अगर वो सेम फ्लूड है तो अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे फ्लूड अलग है और यहाँ पे फ्लूड अलग है, तब हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ और यहाँ दोनों पे सेम होगा।
अगर वहाँ पे सॉरी जो अगर सेम लिक्विड कनेक्टेड हैं या सेम लिक्विड प्रेजेंट कनेक्टेड हैं तो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो प्रेशर बी पे होगा वही प्रेशर डी पे होगा। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि पॉइंट ए और यहाँ पे अगर मान लो पॉइंट एफ है और यहाँ भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो क्या प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर ऑफ एफ होगा? तो हम बोलेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये लिक्विड ही सेम अगर इसी में इस तरीके से एक्सटेंडेड रहता तब हम ये बोल सकते थे कि प्रेशर जो है वो हमारा क्या होने वाला है, कांस्टेंट सेम होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फ्लूड अलग हो जा रहा है तब वो सेम नहीं होगा, लेकिन यहाँ से बी और डी के बीच में सेम फ्लूड है इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट डी। तो जब अगर ऐसा होगा तो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए प्रेशर एट ए हमको पता चल गया जो कि इसके बराबर है, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए डैश, तो प्रेशर एट ए प्लस रो वन जी इन टू एच वन, तो हम डी पे बी पे आ गए। अब अगर हमको क्योंकि ये पता है कि पॉइंट बी पे जितना प्रेशर होगा वही पॉइंट डी पे होगा तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मूव कर सकते हैं अगर हमको ई पॉइंट पर पहुँचना है तो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर होगा वही यहाँ पे प्रेशर होगा तो हम ये वाला ये जो स्टेप है इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट डी, तो हम लोग यहाँ तक डायरेक्ट मूव कर दिए। अब डी और फिर ऊपर मूव कर रहे हैं तो ये वाला स्केप को स्टेप को हम चाहें तो निकाल दें और फिर डायरेक्ट हम क्या लिख दें, माइनस रो जी रो एच जी इंटू जी इंटू एच टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से भी हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको याद क्या रखने वाला है मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूँ। पहला, मैनोमीटर में जैसे जैसे आप नीचे मूव करते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू को पॉजिटिव लेते जाएंगे। दूसरा, जैसे हम ऊपर मूव करेंगे प्रेशर की वैल्यू को आपको निगेटिव लेना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पर अगर वो सेम फ्लूड प्रेजेंट है तो वहाँ का दोनों पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है वो हमारा क्या होने वाला है, वो इक्वल होने वाला है। अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आने वाले हैं, तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो यहाँ पे डायरेक्ट उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। एक नोट करके आप लिख सकते हैं, पहला इन मैनोमीटर इफ वी मूव टूवर्ड्स डाउनवर्ड प्रेशर शुड बी प्रेशर टेक एज पॉजिटिव। दूसरा पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट, इन मैनोमीटर इफ वी मूव टुवर्ड्स अपवर्ड प्रेशर टेक एज नेगेटिव। अगर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे तो पॉजिटिव प्रेशर लेना है और जैसे ही हम ऊपर मूव करेंगे तो हम प्रेशर नेगेटिव लेना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सेम फ्लूड कनेक्टेड और प्रेजेंट प्रेशर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ सेम फ्लूड कनेक्टेड और प्रेजेंट प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट। तीसरे पॉइंट का मतलब देख लीजिए कि अगर प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, हमने जैसे ये पॉइंट बी लिया और पॉइंट डी लिया दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे हैं, तो प्रेशर एट
सेम हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सेम फ्लूड, सेम फ्लूड है, यहाँ भी एच जी है, यहाँ भी एच जी है, और ये दोनों फ्लूड कनेक्टेड हैं या सेम फ्लूड प्रेजेंट हैं, तो उस केस में प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट, प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ सेम फ्लूड कनेक्टेड और प्रेजेंट विल बी कॉन्स्टेंट, प्रेशर विल बी कॉन्स्टेंट। क्लियर है? तो ये पहला चीज़ क्या कि अगर पॉइंट ए से बी, मतलब हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, बी से सी नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो प्रेशर को हमको पॉजिटिव लेना है। अगर हम सी से डी, डी से एफ, एफ से ई, मतलब जैसे ऊपर मूव करेंगे तो प्रेशर को हमें एज ए निगेटिव लेना है ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो। और दूसरा तीसरा चीज़ क्या है कि प्रेशर एट द सेम लेयर, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लेयर है तो यहाँ प्रेशर एट बी, अगर हम इसका एक और बन लें, सपोज करिए यहाँ पर अगर हमें लेना है, ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ जी और ये पॉइंट एच, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेयर पे है, सेम फ्लूड है, तो प्रेशर एट जी इक्वल टू प्रेशर एट एच हो जाएगा। तो ये भी आप लोग तीसरा चीज़ नोट डाउन कर लीजिए। अगर ये नोट डाउन कर लिए तो अब इसके बाद ये वाले पोर्शन का हम प्रेशर एट ए पॉइंट पे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए हमने भी यहाँ पर यह कंसिडर किया है कि यहाँ पर जो लिक्विड है वो रोवन है और ये जो रेड कलर का जो मैनोमेट्रिक फ्यूल है ये एच जी फ्लूड है। क्लियर है? तो अब हम प्रेशर एट ए निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए, जो प्रेशर यहाँ पे होगा वही प्रेशर यहाँ पे होगा, मान लीजिए यहाँ ए डैस है तो वही सेम प्रेशर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेयर है तो यहाँ पे मान लीजिए सेम हॉरिजॉन्टल लेयर, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट ए डैस। अब मान लीजिए मेरे को पॉइंट बी पे प्रेशर निकालना है, तो नीचे आ रहा हूँ तो प्लस क्यू, कौन सा फ्लूड भरा हुआ है तो रोवन वाला, तो रोवन इंटू जी और हाइट क्या है हमारा एच वन। यहाँ तक क्लियर है? तो पॉइंट डी का निकल गया। अब मान लीजिए कि ये जो है यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है और यहाँ पे पॉइंट ई है, तो पॉइंट सी पे अब हमें निकलना है, तो बी तक का पता है तो उसके आगे, तो क्या हो जाएगा क्योंकि नीचे आ रहा हूँ तो पॉजिटिव रो ऑफ, अब कौन सा फ्लूड आ गया, एच जी फ्लूड आ गया, तो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच टू, हाइट क्या है हमारा एच टू है। अब देखिए चाहूँ तो मैं यहाँ पे इक्वल टू जो पॉइंट सी होगा जो प्रेशर वही मैं पॉइंट ई भी बोल सकता हूँ, मतलब मैं सी से डायरेक्ट मूव पॉइंट ई पे कर सकता हूँ कि जो प्रेशर यहाँ पे सी पे होने वाला है वही सेम प्रेशर ई पे भी होने वाला है, या अगर हम अगर अभी दूसरे स्टेप में अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो ये भी लिख सकते हैं कि देखिए सी से डी, मान लीजिए ये जो हाइट है वो एच थ्री है, तो इसके लिए प्रेशर कितना हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो प्लस रो ऑफ एच जी जी इंटू एच थ्री, पॉइंट डी तक का निकल जाएगा, नीचे गए पॉजिटिव। अब डी से ई ऊपर की तरफ जाएंगे तो माइनस उतना ही माइनस करना पड़ेगा, कितना रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू हाइट, ये एच थ्री है तो यहाँ भी एच थ्री हो जाएगा इक्वल टू, अब ई जो पॉइंट है वो डायरेक्ट किसके कॉन्टेक्ट में है, एटमोसफियर के कॉन्टेक्ट में है, तो इक्वल टू कितना हमारा होगा जीरो हो जाएगा। तो ये एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या कर सकते थे ये भी देख लीजिए, पी एट ए वो निकाल लेंगे प्लस रो वन जी एच वन, यहाँ से यहाँ तक आ गए रो वन जी एच वन, प्लस बी से सी आइए रो एच जी जी एच टू, पॉइंट सी पे आ गए क्योंकि सेम फ्लूड कनेक्टेड है एट पॉइंट सी और एक पॉइंट ई, और दोनों का जो लेयर है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो यानी सी पे जो भी प्रेशर होगा वही पॉइंट ई पे होगा, तो और मुझे कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सी इक्वल टू ई के बराबर हो गया। अब ई किसके बराबर है, यहाँ पे एटमोसफेयरिक एयर है, जस्ट एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में है, तो एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट है, मतलब ये सारे प्रेशर की वैल्यू किसके बराबर होंगे, इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ई पे जो प्रेशर होगा वो इतना होगा, और इधर से कैलकुलेट करेंगे तो ये डायरेक्ट क्योंकि एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में है तो वो उस समय गेज प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी ए इक्वल टू माइनस ऑफ रो वन जी एच वन प्लस रो एच जी
GH2। अब ये क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ सामने नेगेटिव चाहिए, मतलब ये क्या हमें शो कर रहा है, वैक्यूम प्रेशर को शो कर रहा है। नेगेटिव किसको बताता है, वैक्यूम प्रेशर को शो कर रहा है। तो आपको और भी हम लोग अगले क्लास में एक दो और न्यूमेरिकल देखेंगे, या ऐसा करेंगे कि यूट्यूब मैनोमीटर हो गया, अब इसके बाद डिफरेंशियल करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन कर लेंगे, और उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो इसमें कंसेप्ट और क्लियर होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट वाले, ऑनलाइन में जो स्टूडेंट हैं, इनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को वो बार बार देखें कि कैसे हम ये प्रेशर को पॉइंट एक पर मेजर कर रहे हैं। क्लियर है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी मेजर कर सकते थे, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, यही सेम एग्जांपल को लेके हम लोग एक बार, और ये तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके लिए हम लोग सोचिए कि हम लोग इधर से भी हम पॉइंट ए पे आ सकते हैं, उसको भी देख लीजिए कैसे। जैसे देखिए ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं पॉइंट ई से डी की तरफ मूव करूँगा, तो अगर मैं डी की तरफ मूव करूँगा तब हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा, रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू एच टू हो जाएगा, ई से डी की तरफ मूव करूँगा, तो क्योंकि डी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट बी पे होगा, तो मैं बी डी को, डी का जो प्रेशर होगा वही बी पे, तो मतलब यही प्रेशर बी पे भी होने वाला है, लिख सकता हूँ। अब मैं डी से ए डैश पे मूव करूँगा, तब ए डैश पे ऊपर मूव कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अभी तक तो मैं नीचे आया था तो पॉजिटिव लिया, अब डी तक और बी पे दोनों पे प्रेशर सेम है, तो अब मैं डी से डायरेक्ट बी पे मूव कर सकता हूँ, तो अब बी से अगर मैं ए डैश पे मूव करूँगा तब प्रेशर निगेटिव होगा, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो माइनस रो वन जी एच वन, मैं पॉइंट ए डैश पे आ गया। अब पॉइंट ए डैश पे जो प्रेशर है वो किसके बराबर है, वही ए के बराबर है, तो इक्वल टू मैं प्रेशर एट ए लिख सकता हूँ, मतलब इधर से जब मैं आया पॉइंट ए तक तो वहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर किसके बराबर है, पी ए के बराबर है। तो जो हमने पहले एक्सप्रेशन निकाला था क्या वही हमारे पास है, ये ठीक है। दूसरा, अब आप बोलेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी इसी से सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ, प्रेशर एट पॉइंट ई क्या है हमारा, जीरो है, तो जो प्रेशर ई पे है वही प्रेशर मैं बोल सकता हूँ कि सी पे भी होगा। आप बोलेंगे यस सर, क्यों, क्योंकि सेम फ्लूड है एंड सेम हॉरिजॉन्टल लेयर है, तो सी पे भी प्रेशर जीरो ही होने वाला है। अब बी पे आइए, तो बी पे प्रेशर क्योंकि ऊपर जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस रो ऑफ एच जी जी इंटू एच टू हो जाएगा, माइनस रो एच जी जी इंटू एच टू हो जाएगा, एच टू हाइट है। बी से अब ए डैश पे आइए, तो फिर इसमें भी मैं ऊपर जा रहा हूँ तो भी निगेटिव होगा, तो माइनस रो वन जी एच वन। अब पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वही पॉइंट ए के, ए पे भी प्रेशर के बराबर है, तो ये इक्वेशन इधर से जब आया वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू पी ए के बराबर हो जाएगा, और यही हमने कैलकुलेट अभी किया हुआ है। यहाँ पर देखिए पी ए इक्वल टू माइनस ऑफ रो वन जी एच वन माइनस रो जी एच टू रो एच जी जी इंटू एच टू, वही यहाँ पे भी आ गया हमारा, तो समझ में आ रहा। तो हम राइट से जाएं चाहे लेफ्ट से जाएं, दोनों केस में हमारा वैल्यू क्या है, इक्वल ही आने वाला है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट यूट्यूब मैनोमीटर का देखते हैं कि इसका एडवांटेज क्या है। तो जो पीजोमेट्रिक का जो डिसएडवांटेज था वही इसका क्या हो जाएगा, एडवांटेज हो जाएगा। तो एडवांटेज क्या हो जाएगा इसका, पहला इट कैन बी यूज टू मेजर हाई प्रेशर, हाई प्रेशर को इससे हेल्प से भी मेजर कर सकते हैं। दूसरा इट कैन बी यूज टू मेजर पॉजिटिव एज वेल एज वैक्यूम नेगेटिव प्रेशर, यहाँ पॉजिटिव मत लिखिए, गेज लिख लीजिए, गेज प्रेशर
एज वेल एज